अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये सेल सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ सेल और दूसरी में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेल और आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेल। अगर वो दो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके देख सकते हो। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेल, उन पार्ट्स के फंक्शन और कंपोजिशन भी हम आज ही पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो डेफिनेशन ऑफ सेल से स्टार्ट करते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। जो लाइफ का फंडामेंटल यूनिट है वो है सेल। और द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। यानी कि इंसान की बॉडी का स्ट्रक्चर भी सेल्स ही बनाती हैं और उस स्ट्रक्चर को फंक्शन भी यही सेल्स करवाती हैं। सेल्स आर मेनली मेड ऑफ थ्री पार्ट्स। पहला होता है सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल वॉल। सेल वॉल इज द एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ द सेल। ये एक एक्सटर्नल बाउंड्री होती है किसकी? सेल की। ये थ्री लेयर स्ट्रक्चर होता है। ये किससे बना होता है? मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। इसकी थिकनेस लगभग 70 एंगस्ट्रॉम होती है और इसका फंक्शन क्या होता है? इट अलाउज द डिफ्यूजन ऑफ द सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। ये अलाउ करते हैं डिफ्यूजन ऑफ द सब्सटेंस इनटू द सेल एंड आउट ऑफ द सेल। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है सेल का, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। ये सेल का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ये करीब करीब स्फेरिकल होता है, मोर और लेस स्फेरिकल इन शेप। ये किससे इंक्लोज्ड होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। कौन? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक को बोलते हैं न्यूक्लियोलस और दूसरे को बोलते हैं क्रोमेटिन। पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस का, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इट्स अ हाईली कॉइल्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर। ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। ये किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है, बट इसमें न्यूमरस ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि ये सिंथेसिस आरएनए सिंथेसिस करती है, या राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस कहाँ पे होती है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में कहाँ पे? न्यूक्लियोलस में। ये न्यूक्लियोलस का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है, ये राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस का, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन। ये फाइब्रस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़? वो होती है डीएनए सिंथेसिस। ये डीएनए और प्रोटीन होता है इसी क्रोमेटिन में क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी इसी क्रोमेटिन में होती है। जब सेल डिवीजन होता है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जो क्रोमेटिन होता है वो कंटेन्स इनटू द क्रोमोसोम्स। और एक स्पीशीज में पता ही है कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स विच इज़ इक्वल टू 46 क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियोलस में आरएनए सिंथेसिस होती है, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, और क्रोमेटिन जो होता है उसमें क्या होती है? डीएनए सिंथेसिस। ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं इन दो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये रीजन होता है लाइंग बिटवीन द सेल वॉल एंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और सेल वॉल के दरमियान जो रीजन होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसमें बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स एंड सेंट्रोसोम्स। पहला जो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है साइटोप्लाज्म का, उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक्सटेंसिव सेल ऑर्गेनेल होती है। ये टू लेयर स्ट्रक्चर होते हैं। इनमें दो टाइप्स होते हैं, ग्रेन्यूलर और एग्रेन्यूलर। ग्रेन्यूलर जो होते हैं वो होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनमें राइबोसोम्स होते हैं। और एग्रेन्यूलर जो होते हैं वो होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उनमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। दूसरी जो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है उसको बोलते हैं गॉल्गी अपैरेटस। ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जो प्रेजेंट होती है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द एपेक्स ऑफ द सेल। ये किससे कंसर्नड होती है? कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोटीन्स। तीसरी जो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये प्रेजेंट होती हैं इन द साइटोप्लाज्म, फॉर एग्जांपल 100 से 1000 तक होती है। ये टू लेयर स्ट्रक्चर होती है। जो आउटर होती हैं उस वो स्मूथ होती हैं और जो इनर लेयर होती है वो शीट से फोल्डेड होती है। जो दोनों लेयर्स हैं वो किससे बनी हुई होती हैं? मेड अप प्रोटीन से बनी हुई होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों लेयर्स। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है उसको बोलते हैं लाइसोसोम्स। दे आर स्फेरिकल ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं इनका, और ये बैक्टीरिया को ब्रेक डाउन करते हैं, इंट्रासेल्यूलर ऑर्गेनेल्स को ये डाइजेस्ट करते हैं, और ये सराउंडेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। कौन? लाइसोसोम्स। फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल होती हैं उसको बोलते हैं सेंट्रोसोम्स। दे आर स्मॉल बट रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स। ये स्मॉल होते हैं
बट रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं. इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, सेल डिवीजन में. सेल डिवीजन में सेंट्रोसोम्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है. फंक्शन ऑफ सेल भी हम आज ही पढ़ेंगे. पहला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसको बोलते हैं इंजेशन, यानी कि किसी भी सब्सटेंस को इंजेस्ट करना, लेना, किसी भी केमिकल सब्सटेंस को इंजेस्ट करना, और उसी इंजेस्टेड सब्सटेंस को हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं. दूसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सेल का उसको बोलते हैं ग्रोथ एंड रिपेयर, यानी कि जैसे जो हमने फूड या जो भी हमने केमिकल सब्सटेंस इंजेस्ट लिया उस चीज़ से हम प्रोटीन्स निकालें, एनर्जी निकालें ताकि ग्रोथ हो, या अगर कहीं जगह किसी भी जगह लग जाए तो उसको रिपेयर करें. तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, सेल का, ग्रोथ एंड रिपेयर. तीसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल का उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेस आते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म किसे कहते हैं, जो भी हमने फूड इंजेस्ट लिया उसको हम यूज़ करें किसमें, ग्रोथ एंड रिपेयर में. और कैटाबॉलिज्म किसको कहते हैं, जो भी हमने फूड इंजेस्ट लिया उसी फूड से एनर्जी निकालें ताकि बॉडी के और भी बाकी सारे फंक्शन कर सकें. तो ये दो फंक्शन है किसमें, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. फोर्थ जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन. आपको तो पता है रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स इनटू द ब्लड, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन. फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल का उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन, यानी कि किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना, या किडनी से या लंग्स से. लंग्स से क्या होता है, डीऑक्सीजन ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं हम, जो कि हमें ज़रूरत नहीं होता है, या किडनी से हम वेस्ट प्रोडक्ट्स निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन. एक फंडामेंटल फंक्शन है किसका, सेल का. लास्ट यानी कि सिक्स जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल का उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ द डॉटर सेल्स फ्रॉम द पेरेंट सेल. इसमें दो प्रोसेस होते हैं, मियोसिस एंड माइटोसिस. तो दोस्तों अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कीजिए, और मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैंशन कीजिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़.